हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी बजा है 1 o'clock। अभी से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। कल रात लौटते लौटते थोड़ा सा लेट ही हो गया था यहाँ पे पहुँच के, फिर सोते सोते भी रात हो गया था, और अभी जैसे कि सुबह उठने में आज लेट हो गया था। आनू को जल्दी जल्दी स्कूल भेजा। आज उसका स्कूल हाफ डे है, सबके लिए हाफ डे है, वो भी अभी वापस आ ही रही है। ड्राइवर के साथ मैंने बात किया अभी, सो उसके बाद फिर से आनू के स्कूल आज जाएंगे। लंच करके आनू को भी खिला देंगे, मैं भी खा लूँगी, फिर उसके बाद एक उबर बुक करके हमें जाना है। रत्ना भी काम कर रही है, तो क्यों जाना है वो एक बहुत बड़ा दिन है आज। एक्चुअली अभी अभी लंच फिनिश किया है, आनू की स्कूल ड्रेस प्रेस करके रखा है। ये है मेरी साड़ी जो मैंने प्लीट करके रखा है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एक्चुअली इनविटेशन कार्ड, वो सामने नहीं दिखा रही हूँ, स्कूल का नाम लिखा हुआ है। एकदम से अभी फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ओला नहीं मिलेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, साड़ी वाड़ी पहना है। आनू को पूछ रही थी ज़्यादा सज लिया क्या, आनू बोल रही है नहीं। एक्चुअली आज आनू के स्कूल में एनुअल प्राइज डे है, मैंने आज आपको बताया नहीं था सुबह से। एक्चुअली मैंने सोचा था आनू के मुंह से बताऊंगी, लेकिन वो रेडी होने में इतना बिजी है। सो प्राइज डे है उसके स्कूल में, आनू को प्रोफिशिएंसी मिला है, हर बार मिलता है, लेकिन लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से, कोई आया होगा शायद, कोरोना की वजह से नहीं मिला था। सो चलो देखते हैं कौन है। तो लास्ट 2 ईयर से कोविड के चलते वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे स्कूल की तरफ से, क्योंकि सब एग्जाम वगैरह ऑनलाइन हुआ था। बाकी मैं आपको आके बताऊंगी। उबेर वाला आ चुका है, चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा, कितना मैं शूट कर पाती हूँ। बाबा मुझे लेट हो रहा है, इधर उधर सब भूल रही हूँ, चश्मा बना लूँ। पहुँच गई हूँ, आनू अंदर गई है प्रैक्टिस के लिए, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ, 5 o'clock ही अंदर जा पाऊँगी। चलिए, इंतज़ार करते करते लगभग टाइम भी हो रहा है, सब एक एक करके आने लगे हैं, और क्लीनिंग का डेकोरेशन का काम भी शुरू हो चुका है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर ना एक स्टॉल लगा हुआ था पेरेंट्स के लिए, चाय कॉफ़ी स्नैक्स ये सब। इस बार का एनुअल फंक्शन मिनी ऑडिटोरियम में हो रहा है। बिग ऑडिटोरियम में क्लीनिंग का पेंटिंग का काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कभी अगर मौका मिलेगा आपको बिग ऑडिटोरियम ज़रूर दिखाऊंगी, वो बहुत खूबसूरत है। चलिए देखते हैं बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस की तैयारी की है। Standard 9C, Aditi C. Pichamoto. This window. These 3 windows are ours. Ours. अभी रात हो चुका है 7:30. Last window. हाँ, sorry. My friends sit next to the last window. अच्छा, ये अंदर से तो नहीं दिखा सकती, अलाउ नहीं है, तो बाहर से आप देख लो। ये तीन के बाद से जो तीन है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ विंडो आर आवर्स। यस, ठीक है। अभी बजा है 7:30, अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, बस इसका खत्म हो गया है, भाग रहे हैं, इसलिए आ रही हूँ परमिशन लेके। क्या करूँ, अभी उबर बुक करना है, तो चलो घर जाके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। प्राउड मोमेंट, बहुत ही अच्छा लगा आनू को, कॉन्ग्रेचुलेशन आनू। इससे पहले इस रास्ते से इस वक्त कभी नहीं गुजरी। अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लाइटिंग चारों तरफ, अलग अलग लग रहा है रास्ता। फाइनली जैम को चीरते हुए हम घर पहुंचे, ऑफिस छुट्टी का टाइम
फाइनली रीच्ड होम। बहुत लेट हो चुका है, पता है कितना बजा है अभी? 8:30 ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग फ्रेश होएंगे, आनू भी फ्रेश होने के लिए गई है, तो आज उसको मिला है ना प्राइज, थोड़ा सा गदगद हो उठी है। ये रहा उसका तो अच्छा चलो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, फिर आपके साथ मिलेंगे कल सुबह, क्योंकि अभी ना मुझे किचन में जाना पड़ेगा, खाना वाना बनाना पड़ेगा। कुछ बना के गई थी फिर राइस, थोड़ा सा सब्जी वब्जी सब बनाना पड़ेगा, ये सब टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपसे कल मिलूंगी सुकून से, ठीक है? और कल से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। आनू भी जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाएगी, वही 6:00 उठी है और अभी 9:15 बज चुका है, अभी भी चल रहा है उसका, अभी वो देख रही है, उसे इसका एक वो मिलता है, चार्ट मिलता है प्रोग्राम का, गर्ल्स का, तो वो सब पढ़ी जा रही है। तो ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाना था। तो इधर हो गया आनू का सर्टिफिकेट है, उसका प्राइस, कुछ गिफ्ट मनी आता है तो वो सब है, और ये है हमारा इन्विटेशन कार्ड। तो ये सब फिर से मैं रख दूँगी मेरी झोली में। साड़ी खोलने से पहले एक बार पूरा नीचे से ऊपर, एक्चुअली साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है, मौका नहीं मिलता, आज मौका मिला है, चलो ये सब समेट लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह नाश्ते में है पोहा। क्या करूं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊं, तो जो सबसे इजी एंड जो सबसे कम टाइम में बनेगा वो है पोहा। आलू के साथ आज पोहा बनाऊंगी, ज़्यादा बादाम वादाम कुछ नहीं डाला है, बस वही करी पत्ता, सरसों, आलू, ये सबसे, और पोहा तो ऑब्वियसली लगेगा। तो चलो गरम गरम पोहा खा के बाकी का काम शुरू करें। मॉर्निंग में जाके पापा के साथ क्या क्या सब लेके आई है, अभी दिखाने के लिए बुला रही, क्या क्या लेके आई हो और क्या है? अरे बाप रे, ये तो कितना सुंदर, तेरे पास है ना वो पेन पेंसिल? फिर भी क्या कलर और क्या है, जल्दी दिखा, काम है मेरा। ठीक है खोलने की जरूरत नहीं, मुझे इधर से ही दिखेगा, इधर दिखा दे, मुझे खोलना है। हाइलाइटर पेन कहाँ है बाबू, क्या सब उठा के लेके आती है? आज लंच मेनू में है मेथी साग, आलू पोस्तो, दाल और भिंडी फ्राई। लंच कंप्लीट करके सोचा पेपर पढ़ो, ये सैटरडे और संडे का पेपर इतना ज़्यादा आता है ना, पढ़ पढ़ के ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा बाकी रख दिया, देखोगे क्या हालत कर दिया मैंने, ना सारा मिलता है आजकल जो है, सब कुछ थोड़ा सा बिजी चल रहा है। एक्चुअली आनू का एग्ज़ाम है 20th से, तो वो भी बिजी है और मेरा भी माइंड ना उसके तरफ है, भले ही मैं उसके पास हमेशा जाके बैठ नहीं रही हूँ, वो होता है ना घर का माहौल थोड़ा सा चेंज्ड है, मतलब थोड़ा थमथमा सा है, एग्जाम फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद आपसे रिलैक्स होकर 2-3 दिन आराम से मिल पाऊंगी, ठीक है? तो अभी जो है मैं करूँगी रिलैक्स, वो भी थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इवनिंग में मैं आपसे मिलूंगी। इवनिंग में मुझे जाना है बाहर, एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए कुछ कुर्तीज लाए थे, तो उनमें से एक दो मुझे चेंज करना है क्योंकि थोड़ा सा टाइट आया है, तो वो करने के लिए बाहर जाना है, और भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, वो सब निपटा के फिर वापस आऊंगी। আমার বার্থডেতে কিটক্যাট দিলি, ওটা খা রে, আমাকেও দে। ये इसके हाथ में है मेरा बर्थडे का गिफ्ट किटकैट, जो पहला निवाला इसका आनू खाएगी। तू खाएगी? मैं खाऊंगी, खोलो। बाबा रे, ये है क्या? वाओ, 3-3 स्टिक है, एक मेरा, एक तेरा, पापा का, है ना? इस बार हूँ। पहले बोला नहीं, मेरी तरफ दिखा रही थी, दिखा दे। खुलते ही बात चल, पापा को बोलना है हमने किटकैट खा लिया, बहुत ही अच्छा था, है ना? क्या बोल रही हूँ, बहुत दिनों के बाद किटकैट खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी दिनों के पहले अच्छा नहीं लगता था किटकैट, अंदर वो बिस्किट वाला फीलिंग आता था, ये अच्छा लग रहा है ना। अरे बाप रे, क्या डेकोरेशन है, पूरा बैलून से सजाया गया है बाहर, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, चलो जाके देखते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे होंगे। और लास्ट 2 दिन पहले आई थी तब तो ये सब नहीं था, अभी देखो कितना सुंदर सजाया है, देखते हैं क्या क्या है। ये वाला अच्छा लग रहा है, मुझे ना ये सब कुर्ती ज़्यादा पसंद आता है, डिफरेंट पैटर्न का होता है और इजी है, पहन लो कोई भी लेगिंग्स के साथ। तो बहुत ही ढीला लग रहा है, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ना, एकदम पिंक, फेस्टिवल में भी पहन सकती हूँ। ये अच्छी, इसका और कोई साइज नहीं है, बस यही वाला साइज है मीडियम, लेकिन मुझे मीडियम
खरीदने ही आता, बट इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना कंफर्टेबल है एकदम। एंड देन ये वाला, इसका ये येलो बॉर्डर अच्छा लग रहा है, अदरवाइज उतना खास तो नहीं है, ऑर्डिनरी है, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। एंड में माई ऑल टाइम फेवरेट कलर ब्लैक। चेंज करते करते दिमाग ख़राब हो गया है, आज एक्चुअली इतना भीड़ है, वीकेंड में बहुत भीड़ रहता है, सो मैंने चेंज करके ये वाला लिया, वो आपको दिखा रही थी, ये वाला लिया। इसके नीचे मैं इस कलर का, मेरे पास लेगिंग्स है तो इसके साथ पहन लूँगी। एक्चुअली ये इस टाइप का कुर्ती ना फिट अच्छा आता है, अच्छा लगता है मुझे। और भी एक लिया है, वो है ब्लैक, ये तो आपको पहन के दिखा चुकी हूँ मैं, तो ये है ब्लैक। इसके साथ साथ दो और ड्रेस था जो फिट आया है, वो जब पहनूंगी आपको दिखाऊंगी। तो ये था आज का मेरा चेंज वाला प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हाँ, एक और चीज लिया था, वो है ये हेल टॉवल, कितना सुंदर है ना ये प्रिंट, और उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल है, पता है, देख के मुझे पसंद आ गया, एक भी बाथरूम के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन मुझे देखने में बहुत प्यारा लगा ये, है ना, प्रिंट अच्छा लग रहा है। ये जो चीटी आप देख रहे हो, ये चीटी जो आप देख रहे हो, ये एक हफ्ते से मेरे किचन में घूम फिर रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मैं इसको मारती नहीं हूँ, लेकिन ये दिखाई भी नहीं देता डे टाइम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाइट के टाइम पे ये आ जाता है, जाता है या जाती है, लड़की है लड़का समझ में नहीं आता है। चलो अभी अंदर चला गया। आरु ना घर का डोर जो है बंद करके पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करने बैठी है क्योंकि उसने डिनर कर लिया है, तो मैंने सोचा कि अभी डिनर के बाद ही वो पढ़ाई करेगी क्योंकि पेट उसका भरा रहेगा। और हम दोनों के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू भाजी और उसके साथ दाल, और कुछ नहीं आज के लिए। आज रात हो चुका है, पिन ड्रॉप साइलेंट घर पे बन चुका है, मैडम का जब मन पढ़ाई में लगता है उस टाइम पे आप बिल्कुल आवाज़ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, और मैडम का जब मन नहीं लगता है तब आप जितना भी उसको एकदम बंद कमरे में साइलेंट करके घर को दे दो, तो अभी उसका मन लगा है तो वो पढ़ाई करेगी, मैं अभी चुप हो जाऊंगी, कल फिर से बात स्टार्ट करूंगी आपसे।